रुकिए 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 फ्रेंड्स, आपके लिए मेरी इस वीडियो में कुछ है। दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हो, मुझे सब जानते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो देखते हो, ठीक है, आप मुझे जानते हो, लेकिन आपको कोई नहीं जानता। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ जैसे मेरी पहचान है, आपकी पहचान बने। दोस्तों मुझे प्लीज़ कोई एक यूनिक आईडी बताइए, कॉपी नहीं होना चाहिए, आप अच्छी तरह जानते हो मैं कॉपी नहीं करता। फ्रेंड्स को यूनिक आईडी बताइए कि एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको यूनिक आईडी मुझे अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके टॉपिक पर, और फ्रेंड्स उसमें मैं आपसे कॉन्टैक्ट करके आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन की वीडियो मांगूंगा और उस वीडियो को उस प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है आपने बताया, मैं अपनी वीडियो के साथ उसमें डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स सब लोग देखेंगे, आपकी भी पहचान होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कोई यूनिक आइडिया। तो चले फ्रेंड अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो बनाने वाले हैं स्पीकर। तो जैसा आप देख पाए बिल्कुल मार्केट की तरह आपको स्पीकर लग रहा होगा। फ्रेंड टोटली मैंने अपने हाथ से बनाया है। तो दोस्तों इसके अंदर खास बात क्या है, ये तो कोई बना सकता है। फ्रेंड्स इसके अंदर खास बात है कि इसे इस मोटर से बनाया गया है। तो जैसा आप देख पा रहे फ्रेंड्स, कोई भी टॉय में कार में आपको आसानी से मिल जाएगा, जो छोटे बच्चों खेलने वाली होती है मोटर। तो फ्रेंड्स चलिए अपने टॉय पर चलते हैं, समर एक्सपेरिमेंट। सोलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर और समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 3 इंच की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और अब इसके कॉर्नर आपको तैयार करना होंगे। उसके लिए आपको कोई बोतल होगी, उसका कैप चाहिएगा, इससे आप इसमें कॉर्नर राउंड में बना सकें। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी हो जाता है ये, और आप जैसे देख पा रहे हो लगभग शेप ले ली है। अब ये जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों इसके लिए जो होल करने होंगे मुझे 4, जिससे कि स्पीकर रूम कहीं रोक सकें। और ये 3.175 mm का MDF बोर्ड है, जो कि ईजिली आपको मैं लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ जाकर इसे परचेस कर सकते हो। तो जो हमने आ रही है सहाय, उससे हमने इसे कट कर लिया है। दोस्तों कट करना बहुत आसान होता है, काफ़ी मजबूत बोर्ड होता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो देखिए इस तरह का हमारा फ्रंट तैयार हो चुका है। तो लगभग 45 mm की मैंने इसकी रेडियस ले ली है और मैं इसमें एक सर्कल बना लूँगा। फ्रेंड्स मेरे जो फिंगर में काफ़ी ताकत है, मेरी फिंगर्स की ताकत अभी देख सकते हो। देखिए एक उंगली से ही मैंने इसका जो सर्कल कट कर दिया। सॉरी फ्रेंड्स ये मजाक है, मैंने पहले कट कर लिया था और आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उंगली में लग सकती है चोट। तो कोई सा मोटर होगा, कोई भी आप देख सकते हो सर्कल में, 130-140 नंबर के दोनों मोटर, कोई सा मोटर ले सकते हो। मोटर रनिंग बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मोटर सही है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, और इसमें से आप फ्रेंड्स अच्छी तरह जानते हो क्या होता है स्पीकर में, एक मैग्नेट होती है और एक कोयल होती है। जी हाँ, उन दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बस वो आपके पास होनी चाहिए, बाकी आपका स्पीकर का मतलब आपको रेडी करना होगा, स्पीकर तैयार हो जाएगा। तो इसके हमने मैग्नेट निकालनी है स्पीकर की, और ये थोड़ा सा परेशान करती हैं, वैसे तो निकल जाएंगी क्योंकि मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी इसे निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया है जो मैग्नेट है इसकी, और सबसे अच्छी बात तो है इसकी फ्रेंड्स मैग्नेट थोड़ा सा राउंड शेप में भी होती हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा एक लगभग 1.25 इंच का हमने सर्कल कर लिया है जो कैप हमने ली थी, और उसकी मैग्नेट यहाँ पर लगा देंगे। तो काफ़ी ईजी है, मज़े में आप स्पीकर बना लोगे, और मतलब स्पीकर काम भी करता है, और मैं इसके आपको क्लियर बिल्कुल साउंड भी सुना के दिखाऊंगा। तो देखिए इस तरीके से दोनों मैग्नेट लगा ली हैं। अब फ्रेंड्स क्योंकि यार ये गिरने पर मैग्नेट्स हट सकती हैं क्योंकि ये स्टैंड है, तो मैं इस पर ग्लूगन लगा देता हूँ जिससे कि ये और अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। अब आपका स्पीकर बाई चांस अगर गिर भी गया नीचे तो वो ये नहीं हिलेगा। तो दोनों मैंने लगा दिया है, आप चाहे तो सारे भर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लगा लीजिए, इतना ही इनफ है, काम कर जाएगा बड़े तरीके से। तो यहाँ पर एक A4 शीट का हमने कागज़ ले लिया है, तो आप कोई भी कागज़ ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको A4 शीट का कागज़ लेना है, कोई आप रफ ले सकते हो, कॉपी ले सकते हो। हमें फ्रेंड्स इसकी एक कोयल बनानी है, तो बीच में कुछ डाल के देख लीजिए, जैसे सेल हो गया राउंड में, कुछ भी कुछ राउंड चीज़ हो जो उसमें फिक्स नहीं आए, थोड़ी लूज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसकी कोयल बना रहा हूँ। अब कोयल आप देखते रहिए किस तरीके से मैं इसकी बना रहा हूँ। तो यहाँ मैंने फेविकोल से चिपका के इसे इस तरीके से सेट कर लिया सुखाने के बाद। अब जो मोटर का आर्मेचर है इस पर से आप जो कॉपर वायर है इस पर हटा लेंगे यहाँ से, तो कोई भी कट कर लीजिए, इस बात आसानी से इसमें कॉपर वायर निकल जाता है, और काफ़ी इतना कॉपर वायर निकल जाएगा फ्रेंड्स कि आपकी कोयल रेडी हो जाएगी। तो देखिए मैं आपके सामने भी लाइव कर रहा हूँ, और एक के ऊपर एक अगर वायर चढ़ भी गया बाई चांस तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप वैसे अगर अच्छी तरह से लगाओगे तो अच्छा रहेगा और अच्छा काम करेगा, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा आपको, लेकिन बाद में इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए मैं कौन को मतलब मैंने कोई बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं हाथ से आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। और बाद में छोटी इसमें फेविक लगा दीजिए एक आध बूंद, जिससे कि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए, निकले नहीं। तो इसके ऊपर मैंने दोबारा वाइंडिंग की है, 2 चक्कर या 3 चक्कर 4 चक्कर तक आप लगा सकते हो, जितने चक्कर फ्रेंड ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा वाट का आपका स्पीकर बनेगा। और अगर आप मैग्नेट्स में और अच्छे लगाओगे तो मैग्नेट की मतलब ज़्यादा मैग्नेट लगाने से और अच्छी इसमें साउंड निकलेंगे। तो इसके ऊपर लगा दीजिए LFP आपका इंस्टेंट ग्लो होता है, और उससे ये हमारी कोयल बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है, और आप ईजिली से बना सकते हो घर पर ही। तो देखिए अब ये आप देख पा रही है, मैंने एक टाइप रिंग टाइप काट लिया है, ये MDF बोर्ड से मैंने काटा है। आप इसकी कोई डायमेंशन नहीं है फ्रेंड्स, आप इस तरह से काट सकते हो कि ढक्कन थोड़ा अंदर इसके फिक्स हो जाए और बाकी जगह थोड़ा सा निकला रहे। अब इसका क्या काम है आप देखते रहिए, इसे यहाँ पर चिपकाने के लिए हमने ये इंस्टेंट ग्लू का यूज़ कर लिया है। यहाँ पे हमें 1.5 यानी कि 15 mm
कि मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं इसमें से कुछ पीस कट कर लूँगा। तो देखिए चार पीस मैंने कट कर लिए हैं 15 mm के। इसकी लंबाई मैं आपको बता दूँ इसकी लेंथ जो होगी। तो पहले मैं एक प्लस का मार्क लगा लेता हूँ। अब आप देखते हैं फ्रेंड्स मैं इसे करने वाला हूँ। इसकी मैंने थोड़ा सा एक टेपर साइज में कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसे चिपकाने वाला हूँ। तो देखिए जहाँ मैं इसे सपोर्ट देने वाला हूँ जो फ्रंट का इसमें जो एरिया मैंने कट कर लिया था, तो उनको ये सपोर्ट देने के लिए स्टिक मैंने बनाई है। अब इनकी कोई लेंथ तो मैंने आपको बताया नहीं, तो फ्रंट की लेंथ बताने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर से इस पर लगाने वाले हैं फ्रंट का एरिया, वो इसकी लेंथ डिसाइड करेंगे। तो यहाँ मैंने ग्लू गन लगा दिया। अब आप इंस्टेंट ग्लू लगा सकते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स क्योंकि यार मतलब थोड़ा भद्दा सा लगता है ना, इसलिए मैं कम यूज़ करता हूँ। तो इस तरह आप देख सकते हो, आप तो इस तरीके से लगा सकते हो या इसको कॉर्नर से लगा सकते हो। तो लगाने के बाद आप थोड़ा डायमेंशन ले लीजिए, उसके बाद इन्हें कट कर दीजिए। तो इसलिए आपको मैंने इसकी लेंथ नहीं बताई थी। तो देखिए इस हिसाब से, और बाकी जो फ्रंट का एरिया अब इस हिसाब से यहाँ पर चिपका देंगे ग्लू गन से ही। तो देखिए आप कितना मस्त स्पीकर बनाया, और डेफिनेटली आप इसे बना लोगे इसलिए मुझे यकीन है, और मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बना लोगे। मैं अगर अच्छी तरीके से नहीं बना पाता, मुझ पर ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पाती, तो आप मुझे यकीन है कि अच्छी तरीके से बना लोगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्टिक ले ली है। अब मैं इसका क्या यूज़ करने वाला हूँ, ये 2 cm यानी कि आप 20 mm कह सकते हो, और मैं इस पर होल कर लूँगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो स्पीकर होते हैं उन पर मतलब वायरिंग करने के लिए ऑप्शन होता है, तो सॉकेट टाइप का, तो वहाँ पर आप इसे लगा लोगे। जी हाँ मैं इसे यही लगाने वाला हूँ। जो आप इनपुट दोगे इसे स्पीकर को, वो यही वायर है। तो 2 nut bolt लगा दिए हैं मैंने, और इन्हें रब कर दिया है रेती से जो फाइल होती है, जिससे कि इन पर सोल्डिंग हो जाए। तो आप देख सकते हो इस जगह मैंने लगाने वाला हूँ। आप इंस्टेंट ग्लू से ईजिली ने चिपका सकते हो, तो यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हो टेट्रॉन होती है, जो कपड़े में क्लॉथ में टेलर के पास मिल जाएगी। ये ना हो तो फ्रेंड्स आप जो सिंपल A4 शीट का कागज़ होता है, पेपर होता है, उसे यूज़ कर सकते हो। मैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट की तरह से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो बाद में इसका क्या साउंड निकलेंगे। क्योंकि जो स्पीकर का स्पाइडर होता है वो भी कुछ इस टाइप का ही होता है, जाली टाइप। तो इसमें से कुछ कट कर लेंगे यहाँ से, जिससे कि हमारी जो कोयल है वो इसके अंदर फिट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से फिट हो चुकी है, और फिट बिल्कुल थोड़ी सी लूज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा लूज़ होगी तो आपकी कोयल नीचे को नीचे को चली जाएगी। तो आपको थोड़ा अगर फिक्स कर लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको कोई थोड़ी ऊपर उठाकर रखनी है हल्की सी मैग्नेट की बराबरी। तो देखिए अब यहाँ पर फेविकोल से चिपका दिया है, और अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स अगर आप पे स्पीकर रिपेयर करना नहीं आता, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, काफ़ी टाइम हो गया, और उस वीडियो पर काफ़ी अच्छे मतलब प्यार दिया आपने, तो आप वीडियो को देख सकते हो। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप स्पीकर कैसे रिपेयर किया जाता है वो सीख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब इस पर जो वायर होता है फ्रेंड्स, पे कोटिंग होती है, तो इसकी कोटिंग में किसी नाइफ से या आप कोई सैंड पेपर होगा उससे हटा सकते हो। और जो स्क्रू यहाँ आप देख पा रहे हो, उस पर मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर दूंगा दोनों वायर की। तो स्पीकर जो रिपेयर करना होता है वो तो बच्चों का खेल होता है, और अगर आप पे बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक स्पीकर की जो वीडियो का, और डेफिनेटली वो फुल वीडियो है, फुल गाइड वीडियो है। आप उसे देखने बाद कभी भी किसी से स्पीकर आप मतलब रिपेयर नहीं करो, खुद ही रिपेयर कर लोगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पर यहाँ पर लगा दिया है, सोल्डिंग कर दी है। अभी लगभग फ्रेंड्स आपका 50% वर्क कम्प्लीट हो चुका। अब इसका जो कोन होता है ऊपर का, या जिसे पर्दा कहते हैं, कागज़ कहते हैं स्पीकर का, उसे बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने A4 शीट का पेपर ले लिया है, और अब इसे स्पीकर से बड़ा ही आपको कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब स्पीकर से बड़ा ही आपको कट कर लेना है। अब ये बाद में आपको डिसाइड करना है कितना आपको कट करना है। तो मैंने आपको यहाँ सर्कल की डायमेंशन इसलिए नहीं बताई। अब थोड़ा सा आपको हल्का सा मार्क लेकर यहाँ पर राउंड लेकर कट कर लेना है। तो जब आप इसे फिट करोगे तो आपको खुद ही अंदाज हो जाएगा कि फ्रेंड्स कितने मेजरमेंट का आपको कट करना है। तो ईजिली कट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे फिक्स करके देखोगे तो देखिए इस तरीके से, और ये आराम से फिक्स भी हो जाएगा। तो थोड़ा आप देख सकते हो इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा उल्टा करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स वैसे मैंने इसे ये लगा के देखा, लेकिन यार मुझे लगा कि यार मज़ा नहीं आएगा इस स्पीकर जो ये हम कोयल बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं इसका। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर यार से मार्केट से ले। अगर आपके पास मार्केट से नहीं मिलता कौन इस टाइप का, ये 2 rupees का मार्केट से मिला है सिर्फ, तो ये अच्छे भी साउंड देता है। अगर आप घर पर बनाओगे तो वो अच्छा नहीं देगा। तो इस तरीके से बिल्कुल फिक्स आया है ये जो मैंने डायमेंशन आपको बताई है। और अगर आप चाहें तो मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पर आप इसकी कोन बना सकते हो, जैसे मैंने आपको कोन बना के दिखा दिया, इसी तरीके से कोन बन जाएगी। और सॉल्यूशन लगा देते हैं इस पर, फेविकोल भी आप लगा सकते हैं, इस पर आप ग्लूगन भी लगा सकते हो। तो आप देखते हैं फ्रेंड्स, और डेफिनेटली यार आपका समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी तरीके से मैं समझाता हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मैंने आपको ऑप्शन दिया स्टार्टिंग में वीडियो के कि आप किस तरीके से मतलब वीडियो में आ सकते हो, तो कोई यूनिक आइडिया बताइए आप मुझे, और मैं आपकी आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपसे आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियो मांगूंगा, और मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उस वीडियो को डाल दूँगा।
तो जिससे कि फ्रेंड्स आपको भी लोग देखेंगे, आपकी भी पहचान होगी। तो दोस्तों थोड़ी सी कट कर लीजिए, जो कोयल एक्स्ट्रा निकली है, ध्यान रहे फ्रेंड्स इसमें जो कोयल के वायर निकले हैं वायर नहीं कट जाए, वरना स्पीकर आपका अभी बच जाएगा बिना बजाए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं थोड़ा सी ये टिकली होती है, इसकी कैप होती है डस्ट ये रोकने के लिए, जिससे इसके अंदर डस्ट ना जाए। तो फ्रेंड्स आप मेरा फोटो भी देख सकते हो, वाह नाइस फोटो। तो चलिए दोस्तों इसके टेस्टिंग कर ले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मीटर इसकी कंटिन्यू टेस्ट करनी है कि हाँ ये सही हमारा मतलब कनेक्शन है नहीं। तो अब इस पर कनेक्शन कर देते हैं, मेरे पास एम्पलीफायर है मैं उसे लगा देता हूँ, ब्लूटूथ का मैं ऑन करके आपको दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने जिसकी साउंड सुने तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों बता दूँ काम तो करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बनाना बना सकते तो काफ़ी, वैसे जैसा आपने इसकी साउंड सुने ऐसी साउंड आएगा आपको, अब बिल्कुल कंपनी की तरह का काम नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट में, तब तक आप जुड़े रहे समर एक्सपेरिमेंट से। थैंक यू सो मच मित्र, वक्त देने के लिए बाय बाय।